डाक बंगला के पास इस बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है। यह तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है प्रदर्शनकारियों पर। भारत बंद जो समर्थक है उन पर लाठी चार्ज किया गया है। गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी और ज्यादा तस्वीर थोड़ी देर में साझा करेंगे। तो ये फिलहाल वहां की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भारत बंद समर्थक जो है उन पर लाठी चार्ज किया गया है। तो भारत बंद प्रदर्शन को लेकर जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए हैं और जो उनकी संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को बिगड़ने से रोका जाए और सही तरीके से ये प्रदर्शन हो, आम लोगों को इससे ज्यादा परेशानी ना हो सके, लेकिन यातायात जो है वो भी बाधित होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए दिल कर दिया था, अब ये स्थिति बन गई है कि वाटर कैनन तमाम चीजें पुलिस ने उपयोग करना शुरू कर दिया है और बंद समर्थकों को दूर तक खदेड़ दिया है। बहुत देर से संभालने की कोशिश हो रही थी मगर प्रदर्शनकारियों की जो है स्थिति देखिए, ये पूरे चप्पल और तमाम झंडे बैनर गाड़ियों से जो मेगाफोन से जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था देखिए उन लोगों की सामान गिर गई। कोतवाली को दे दीजिए, कोतवाली डीएसपी को, ये घड़ी टूटा हुआ है समर्थकों का, वो ये चप्पल जूते ये तमाम चीजें खुद समर्थक जो यहाँ से छोड़कर भाग गए खुद। कोतवाली डीएसपी सर लाठीचार्ज हो गई है, स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई ऐसी? आप देखिए ये इनको रोकने के लिए कहा गया था, पहले शुरू से कहते आ रहे थे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, लेकिन इन्होंने अचानक इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और उनको तोड़ने के लिए कुछ हद तक अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में उनको हम लोगों ने हटाया है और उसको शांतिपूर्ण तरीके से डिस्पैच कराया है। चलिए देखिए गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, प्रदर्शनकारियों के गाड़ी जो थे वो शीशे गाड़ियों को टूट गए, गाड़ी का चालक जो है वो भी भाग गया है और पुलिस ने लंबी दूरी तक जो है इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है, लाठी चार्ज हुआ है। एसडीएम खुद जब भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान ये तस्वीरें बिगड़ी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट भी जो है यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे सर स्थितियां। चलिए देखिए पदाधिकारी जो है चल रहे हैं, स्थितियां जो है बदल गई हैं और ये तस्वीरें जो बदली खुद एसडीओ पटना है उन्होंने किया था, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, फिर हम लोगों ने खदेड़ दिया। आप लोग के साथ धक्का मुक्की हुई उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कह रहे थे कि हो रहा था? नहीं, किसी प्रकार का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। तो हम जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उसके बाद हम खदेड़ दिए। गिरफ्तारी गिरफ्तारी हुई है, ठीक ठाक। एसडीओ पटना जो है यहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर जो है बात कही गई थी मगर परिस्थितियां जो है वो बिगड़ी और ये पूरा डाक बंगला चौराहा जो आप देख सकते हैं रणभूमि तब्दील हो गया था। पुलिस ने कुछ सेकंड में जो है प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ दिया है, जम कर लाठियां चली है यहाँ पर और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया है। ये तस्वीरें डाक बंगला चौराहा से भारत बंद को लेकर ये कॉल किया गया था और भीम समर्थकों की तरफ से ये प्रदर्शन था, मगर यहाँ पे जो तस्वीरें बदली वो तस्वीरों को आप देख सकते हैं जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ। टीयर गैस तो नहीं चले मगर स्थितियाँ अगर बिगड़ती तो उसके लिए पुलिस तैयार थी। गाड़ी जो है यहाँ पर शायद जब्त की जा रही है, लाठी डंडे आप देख सकते हैं यहाँ से निकाले जा रहे हैं, रुकिए, लाठी डंडे जो हैं इसमें से निकाले जा रहे हैं, डंडों को गाड़ी में देखिए डंडे जो है गाड़ी कहां से गाड़ी के अंदर सब रखा हुआ था, डंडों को लेकर आए हुए थे क्या प्रदर्शनकारी? डंडों गाड़ी में से डंडे निकल रहे हैं तो आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा कि उनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन ना करके उसको हिंसक बना दिया था और उसमें बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया उनके द्वारा
और पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई और बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जाने की जब कोशिश की तब हम लोगों ने उनको खदेड़ दिया। गाड़ियों से डंडे, हाँ इसे वो जांच हो के जांच कर रहे हैं हम लोग और कार्रवाई भी करेंगे। डंडों को भी जो है पुलिस ने जब्त किया है, ये डंडे इनके गाड़ियों से निकले हैं, गाड़ियों को जो है यहाँ से छोड़ कर गए हुए, इस गाड़ियों से ये बड़े बड़े डंडे पुलिस ने जो है ये लिया है और गाड़ियों को जो छोड़ कर भाग गए प्रदर्शन के दौरान। अभी भी गाड़ी स्टार्ट है, इन गाड़ियों में देखिए डंडे हैं रखे हुए हैं, काफी डंडे जो है इनके गाड़ियों में रखा हुआ है जो झंडा में लगाकर आए हुए थे। तो ये प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन डाक बंगला के पास जोरदार प्रदर्शन की तस्वीर, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से यह एक्शन लिया गया और उन्हें बहुत दूर तक खदेड़ा गया है और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक होता चला गया, जिसके बाद वहां मौजूद जो पुलिस बल है उन्हें एक्शन लेना पड़ा और इस बीच उन पर लाठी चार्ज की गई, जिसके बाद उन्हें खदेड़ा गया और वो वहां से चले गए, भाग गए। तो डाक बंगला के पास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस की टीम द्वारा लाठी चार्ज की गई है प्रदर्शनकारियों पर। गया था पुलिस और जिला प्रशासन की टीम जो है इन चीजों को देखने के लिए पहुंची हुई है। ये लाठियां हैं, डंडे के जगह झंडों में लगाकर लाठियां लाई गई हैं और प्रदीप ये लाठी सर लाठियों को लाया गया है क्या? लाठियों को खास करके लाया गया है क्या? वो जांच हो रही है अभी, डीएसपी साहब को बोल दिया है, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उनसे हम बात करते हैं। सर अभी सर अभी उसके बाद गाड़ी एक है सर, गाड़ी को भी जब्त कर रहा है, इनकम टैक्स पर तो बल है सर, इसके बाद यहाँ से जा रहे हैं उधर, देख लेते हैं गाड़ी में लाठी भी लाई गई थी झंडा में लगाकर, क्या ये सुनियोजित? देखिए जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया, ये लोग आप लोगों को ही बता रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग भारत बंद का सफल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उग्र हो गए थे और जो हम लोग बैरिकेडिंग लगाया था बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए, या बैरिकेडिंग को कहीं ना कहीं इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके उन्होंने बल का उपयोग करने का प्रयास किया है। बाकी जो बताया है कि डंडे का, चूंकि जो भी ध्वजा ये था झंडा था, झंडा में सबका लाठी का ही उपयोग किया गया है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं, उसका ये लोग मिसयूज भी कर लेते हैं, तो हम लोग कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। बाकी हम लोग पूछताछ करते हैं कि मोटिव्स क्या था। ये डिटेंशन है, तीन चार लोगों का डिटेंशन है, चार लोगों को पकड़ा गया है और लाठी जो है गाड़ियों में रखा गया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जिन गाड़ियों को जो है यहां पर प्रदर्शन करने के लिए लाया गया था उसमें लाठी भी लाई गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये लाठी भी जो है लेकर पहुंचे हुए थे, झंडा है मगर झंडा के बीच में जो है ये लाठी,
पुलिस के जवान जो हैं लाठियों को जो है यहाँ पे जब्त कर रहे हैं, लाठियों को यहाँ पर लेके आया गया था, खास करके स्पेशली लाठी को जो है निकालिए। चलिए देखिए, ये प्रदर्शनकारियों की गाड़ी है, बैनर अभी इसमें उनका लगा हुआ है और इसी गाड़ी से जो है लाठी पुलिस देखिए निकाल रही है। झंडे के साथ जो डंडे का उपयोग होता है वो हल्का डंडा होता है, मगर ये लाठी लेकर आना यानी मकसद पर सवाल उठ रही है। पुलिस को प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने यहां से भागने का प्रयास किया है, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर एक सवाल है कि क्या यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना था या इसको लेकर कुछ पहले से मंशा थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की चुनौती को समझते हुए लाठियों को भी लाने का काम किया था, तो यानी पुलिस लाठी भी जब्त कर रही है और लाठियों के साथ जो है ये मामले की जाँच होगी कि आखिर लाठियों को लाने का क्या उद्देश्य था प्रदर्शनकारियों को लेकर। तो भारत बंद के चलते आम लोगों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं और ये डाक बंगला के पास की ये पूरी स्थिति आपको दिखाई हमने, जहां पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और उन्हें वहां से खदेड़ा गया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।